रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। माता रानी के भक्तों के लिए वीडियो में देंगे विशेष जानकारी। आज आवक थोड़ी कम हुई और बाजार कम से कम 10 रुपए 10 से 12 रुपए बाजार टाइट है। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों आज दिन है सोमवार और तारीख 15 अप्रैल 2024। आज सुबह बादल छाए हुए हैं। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। आलू प्याज और लहसुन के बाजार भाव और उठाव की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लहसुन की बोली दिखाएंगे। 6-7 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग भी है, जिसमें फल और सब्जियों के बाजार भाव का माहौल आपके साथ साझा करेंगे। नवरात्रों के चलते आलू की डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। आलू का उठाव बढ़िया बना हुआ है और आलू के बाजार भी ऊपर की तरफ है। बाजार में आलू 800 रुपए के शुरुआती दामों से शुरू होकर अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उपलब्ध है। मंडी में ज्यादातर ख्याति, पुखराज और डायमंड आलू उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए आप आरती भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। प्याज के बाजार में अभी ठहराव बना हुआ है। नवरात्रों के चलते प्याज का उठाव कम नजर आ रहा है। प्याज का बाजार इस प्रकार से रहा है। प्याज नासिक 21 रुपए से 22 रुपए किलो, प्याज राजस्थान वाला 14 से 16 रुपए किलो और प्याज एमपी वाला 20 से 21 रुपए किलो बाजार भाव रहा है। माता के भक्तों के लिए खुशखबरी है, रोडवेज की बस सुविधा इस बार नवरात्रों में हर आधे घंटे के बाद मां बाला सुंदरी त्रिलोकपुर के लिए उपलब्ध रहेगी। यह बस सुविधा करनाल के पुराने बस अड्डे से मिलेगी। विभाग ने इसके लिए 15 बसों को आरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त करनाल से रोजाना माता वैष्णो देवी के लिए बस सेवा उपलब्ध है। रोजाना बस सुबह 8:40 पर पुराने बस अड्डे से कटरा के लिए रवाना होती है, जो कि रात 9 बजे करीब कटरा पहुंचती है। धन्यवाद। लहसुन के बाजार भाव के लिए देखेंगे आज लहसुन की बोली और बाजार भाव की विस्तृत जानकारी लेंगे आरती भाई श्री कुलदीप कंबोज जी से। तिहत्तर
छप्पन बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार बाबू जी, आज करनाल मंडी में लहसुन का कैसा बाजार रहा जी? आज बाजार थोड़ा टाइट देखने को मिला, क्यों आज आवक बहुत ही कम है। आवक तो बहुत कम रहेगी, आज आवक कम है और मौसम भी आज साफ नहीं है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बादल तो कल के बादल हो रहे हैं जी, क्या करेगा? तो इसीलिए आज आवक थोड़ी कम हुई और बाजार कम से कम 10 रुपए, 10 से 12 रुपए बाजार टाइट है। 10 से 12 रुपए टाइट रहे, जो हल्के माल है उनमें भी और जो अच्छे माल है उनमें भी। हल्के में भी और अच्छे में माल में क्वालिटी तो बाबू जी बड़ी आ रही चल रही है जी। सुखे थोड़ा आज सुखे पड़े माल लग गया है, अभी माल कम से कम 80% सुखे है। 80% सूखा माल है, थोड़े गिल्ले 20% रह गया, 20% रह गया जी, जो नमी वाला माल नमी वाले माल। बाबू जी बाजार कहाँ से कहाँ तक चले जी आज का? आज मान के चलो 50 रुपए से लेके और 115 रुपए तक आज। 50 रुपए से 115 रुपए तक, 120 भी बिके एक डेयरी, 120 भी बिकी है जी। नॉर्मल एवरेज माल तो मतलब बाबू जी 90 का और 90, 95, 100, 105, 110 रुपए तक अच्छे माल आ जो बिक गया है। जी जी जी। और बाबू जी ये आवक जो अब कम चल रही है, मतलब जैसे नवरात्रों का टाइम है और दूसरा कटाई का भी सीजन चल रहा है, कुछ किसान भाई शायद कटाई में बिजी हो रहे होंगे। हाँ, थोड़ा कड़क का भी सीजन चल गया और उधर नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो इससे बाबू जी आवक थोड़ी कम है और बाजार भी थोड़ा ठंडे थे। आज बाजार थोड़े आवक कम होने के कारण, आज ग्राहक है ना बाहर का था काफी, इसीलिए बाजार थोड़ा टाइट थे। मतलब जो जिम्मेदार लोकल माल अपना चल रहा है उसमें आज आवक कम रही है और ग्राहकी आज बाहर की थी। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की लहसुन के बारे में, बोली दिखाई है। नाम नंबर और फर्म का नाम बाबू जी? कुलदीप कंबोज, कंबोज ट्रेडिंग कंपनी, सब्जी मंडी करनाल, शॉप नंबर 797, मोबाइल नंबर 9899। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। भाइयों, यह था आज करनाल मंडी में आलू प्याज लहसुन का बाजार भाव वीडियो भाग एक। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।